हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाते हैं स्वीट पैन पराठा। तो लेट्स स्टार्ट एंड एम्पावर योरसेल्फ। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें कैसे बनाना है, क्या क्या लेना है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैदा ले लिया है, हाफ कप पाउडर्ड शुगर, 25 ग्राम बटर, 2 एग्स ले लेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1 कप ऑफ मिल्क। मिल्क तो हमें एज पर रिक्वायरमेंट लेना है, क्योंकि पहले ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद इसमें जो मॉइस्ट है, तो इसके बाद हमें जितना लगेगा उतना ही मिल्क लेना है, क्योंकि एग है, बटर है, पाउडर्ड शुगर है, इसके काफ़ी सारे मॉइस्ट है। बस थोड़ा सा दूध लेके हमें नीट कर लेना है। तो ये जो पैन पराठा है ना, ये बिल्कुल अलग सा बनता है बाकी सारे पराठे से, थोड़ा स्वीट स्वीट पराठा बनता है। तो ये जैसे कि आप टी कॉफ़ी या फिर क्रीम के साथ आप खा सकते हो, ऊपर से क्रिस्पी बनता है और अंदर से लेयर्ड बटरी, बहुत ही मीठा मीठा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर देखो ये स्क्रम्बल बन चुके हैं, ये ऊपर से थोड़ा मिल्क को कभी भी आप इसमें कप से मत डालना, अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा ना तो इसे रोल करके जो हमें लेयर देना पड़ता है, जो प्लीट देंगे वो देने में बहुत डिफ़िकल्ट आ जाएगा। तो इसे बस उतना ही देना जितना मैंने पहले भी कहा कि इसके जितना मॉइस्ट इसको लगेगा, बस स्पून से उठा उठा के दो। तो ये देखो ये अच्छे से नीड हो चुका है। अब इसे हम डो को बना के कुछ वेटेड क्लॉथ जैसे टॉवल हो या फिर क्लॉथ हो, उसे उसको ढाक के हम आधा घंटा के लिए रख देंगे। आधा घंटे बाद हम इसे बॉल्स बना के हम इसे लेयर दे के पराठा बनाएंगे। तो ये बिल्कुल डिफरेंट पराठा है, ये सब्जी के साथ खाने वाला पराठा नहीं है। ये आप ऐसे ही खाओ, कोई भी स्वीट चीज़ के साथ भी खा सकते हो, आप जैम डाल के भी खा सकते हो। जैसे ये मर्मलेट के साथ बहुत अच्छा लगता है, जैम जैसे जब ज़्यादा मीठा हो जाता है तो मर्मलेट, जैसे कि ऑरेंज मर्मलेट हो तो उसके साथ भी बहुत टेस्टफुल लगता है ये। तो आप ज़रूर ट्राई करना इसको। तो ये देखो पहले हम इसे मतलब रोल कर लेंगे, लंबा रोल करना है, थोड़ा बड़ा लंबा रोल कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा बटर को मेल्ट कर लिया है, अब ये मेल्टेड बटर लगाएंगे और ऊपर से मैदा डस्ट करेंगे। ऐसे हम इसे प्लीट डालते जाएंगे, लेयर करते जाएंगे। उसके बाद इसे हम राउंड बॉल बना लेंगे, बॉल बनाने सील करके चारों तरफ से राउंड बॉल बना लेंगे और ये बॉल को रोल करके हम पराठा बनाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर हम चारों जो हमारे पास बॉल्स थे उसे हम प्लीट करके ऐसे बना के रख देंगे, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो ये पैन को पहले हम बटर से ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद इसे हम जो पराठा रोल करेंगे राउंड में उसे डाल के ढाक के रखना है आपको लो फ्लेम में। ढकने के बाद आपको एक तरफ जब हो जाएंगे ऊपर से आपको बटर ब्रश करके फिर से उसको फ्लिप कर देना है, फ्लिप करके और एक बार ढाक के रखना है, फिर उसे उठा के रखना है। तो ये देखो यहाँ पर हम राउंड में जो बॉल है राउंड में इसे रोल कर ले रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा बनेगा, मतलब वन पोर्शन फॉर वन पर्सन। तो इसको आपको एक आदमी एक पर्सन के लिए कट करके आपको सर्व करना है, मतलब ये काफ़ी बड़ा बॉल है। अब देखो यहाँ पर ढक के रखा था मैंने, थोड़ा थोड़ा ये फूल भी गया है और ऊपर से ब्रश कर देंगे, ब्रश करके फ्लिप करके और एक बार ढक के ये रेडी हो जाएगा, फिर इसको हम कट करके सर्व करेंगे। तो आप भी ज़रूर कोशिश करना, ज़रूर बनाना घर में और खुश रहना। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और ज़रूर आप मुझे सब्सक्राइब करना ऐसी नई नई रेसिपी के लिए। तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल शेप में मैंने काट के रखा था और ये कितना लेयरी है, देखो कितना बटरी, कितना टेस्टी। नहीं बनाओगे तो नहीं समझोगे, तो जल्दी से बनाओ और जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।